स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। पढ़ने जा रहे हैं वन वन सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। एग्जाम में कभी क्या दे देगा वो कि एक पूरा सेंटेंस आपको बना के दे देगा और उसमें आपको चूज करना होगा एक वर्ड जो उस पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता हो। बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ही वर्ड जैसे इसने लिया हुआ है अबॉइटर, तो अबॉइटर का क्या मीनिंग होता है? अबॉइटर का मतलब होता है कसाई खाना। इंग्लिश में अगर जानना चाहो, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहां पे जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अबोट। अबोट होता है मठाधीश, किसी एक ग्रुप का, रिलीजियस ग्रुप का जो हेड होता है, किसी मोनेस्ट्री का हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मठाधीश, अ हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एबे। एब्रीवेशन, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप सिग्नेचर को क्या लिख देते हैं? साइन। तो ये साइन क्या है? एब्रीवेशन है किसकी? सिग्नेचर की। तो एब्रीवेशन का क्या मीनिंग हो जाता है? अ शॉर्टहैंड फॉर्म या लघु रूप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का परित्याग कर देना या किसी चीज को छोड़ देना फॉर्मली। बात समझ में आ रही है? टू गिव अप फॉर्मली, किसी चीज को फॉर्मली छोड़ देना क्या कहलाया जाता है? एब्डिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान, जैसे आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? एब्ल्यूशन, ठीक है। मीनिंग हो जाता है रिचुअल बाथ, धार्मिक स्नान। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मीनिंग होता है जो चीज समझने में मुश्किल हो, जो इजीली समझ में ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रूज बोलेंगे। जैसे हार्ड टू, जो इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो क्या मीनिंग हो जाएगा? हार्ड टू अंडरस्टैंड। किसी की बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्लियरली, तो आप क्या बोल सकते हैं? एब्स्ट्रूज वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा, ठीक है, मोर देन इनफ। नेक्स्ट वर्ड एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है टू फोकस, किसी चीज के ऊपर जोर देना। गिव मोर फोर्स एंड इंपॉर्टेंस, किसी चीज के ऊपर इंफेसाइज करना, किसी चीज के ऊपर जोर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस जो वर्ड बना है अकम्पनी से बना है, ठीक है। अकम्प्लाइस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। लेकिन हेल्पिंग कब? इन क्राइम, किसी का किसी रॉन्ग डूइंग में या क्राइम में, किसी अपराध में साथ देने वाले को हम क्या बोलते हैं? अकम्प्लाइस, सह अपराधी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, प्रथमाक्षरी नाम। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहें इसको तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। एडेंडम। एडेंडम बनाए एड एंड अम से। इसका क्या मतलब होता है? किसी बुक में जो लास्ट में कोई चीज ऐड करी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एड एंड अम। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, हिंदी में उसको बोलेंगे परिशिष्ट। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग मोर ट्री। वर्ड किससे बना है? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट का मतलब जहां पे बहुत सारे पेड़ हो। हमें कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है कि फॉरेस्ट से आगे अगर ए लगा दिया तो वो उसका अपोजिट होगा, मतलब पेड़ों को काटने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पेड़ों को काटने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डिफोरेस्टेशन, ठीक है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, प्लांटिंग मोर ट्रीज। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एग्रेसर। तो एग्रेसर बना है एग्रेशन से, ठीक है। तो एग्रेसर कौन होता है? समवन हु अटैक फर्स्ट, किसी के ऊपर जो पहली बार में अटैक करे उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रेसर। तो इसलिए अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को देखें तो हमारी आर्म फोर्सेस को क्या बोला जाता है?
डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, हम क्या है एग्रेसर फोर्सेस नहीं है, हम क्या है डिफेंस फोर्सेस है। तो हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स या पैरामिलिट्री या जितनी भी स्टेट पुलिस है उनका क्या क्या है, डिफेंस द सिटीजन्स, अपने लोगों की रक्षा करना। तो वो लोग रक्षा करते हैं, एग्रेसर नहीं करते, लड़ाई तो वो भी करते हैं ना, अटैक तो वो भी करेंगे, बात समझ में आ रही है, लेकिन वो पहले अटैक नहीं करते हैं, जो पहले अटैक करते हैं उसको क्या बोलते हैं एग्रेसर्स। जैसे हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एग्रेसर्स इंडिया में आए हैं जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया है, तो उनको क्या बोलेंगे हम आक्रमणकारी या आक्रमणकर्ता। नेक्स्ट बात करते हैं एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो इस बात में डाउट करता हो या जिसे इस बात पे शंका हो कि भगवान की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर अस्तित्व पे शंका करने वाला, बात समझ में आई, चलो आगे करें। एक वर्ड होता है अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं थीस्ट, ठीक है, और जो भगवान में विश्वास ना करता हो अथीस्ट। लेकिन एग्नोस्टिसिज्म जो वर्ड हमने पढ़ा है वो है कि भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता या उसे डाउट है एग्जिस्टेंस के बारे में भगवान की, भगवान होते भी हैं या नहीं होते, ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलियन। एलियन का मतलब ये नहीं होता जो दूसरे ग्रह से आए, केवल वही एलियन होता है। एलियन का मतलब होता है बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्री और रेस, जो किसी दूसरी प्रजाति से या दूसरे देश से, ठीक है, बिलोंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम एलियन, गैर नागरिक। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है एलोमनी। एलोमनी क्या होता है, एलोमनी होता है अमाउंट फिक्स्ड आफ्टर द डिवोर्स, किसी डिवोर्स के बाद में किसी महिला को दी जाने वाली राशि जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक हो उसको हम क्या बोलेंगे एलोमनी, तलाक के पश्चात जीवन वृत्ति, ठीक है। जैसे मैरिज, शादी के बाद में कोई महिला डिपेंडेंट है अपने पति के ऊपर अपने खर्चे के लिए, ठीक है, जो भी उसकी बेसिक नीड है उसके लिए, लेकिन अगर उनका डिवोर्स हो जाता है तो अब उसका जीवन यापन कैसे होगा, तो जो कोर्ट एक अमाउंट फिक्स करती है कि वो पति अपनी पत्नी को वो फिक्स अमाउंट देगा उसके जीवन यापन के लिए, तो उस अमाउंट को क्या बोला जाता है एली मनी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट वर्ड है एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या है, प्रतीक कथा। तुम लोग इसको ऐसा समझो कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का टाइम होता था, तो वो अपनी सभा में कवियों को रखा करते थे और वो कवि थे वो काव्य पाठ करते थे राजा को अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, उसे ऐसा दिखा देते थे कि वो बहुत महान राजा है, ठीक है, राजा भगवान का पुत्र है, इस तरीके से उसके बड़प्पन में उसकी तारीफ में जो कविताएं या जो लेख हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता है एलिगरी। स्टोरी इन विच द आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज अ पीपल, ठीक है, कि आप तो सूर्य की तरह प्रकाशवान हैं, ठीक है, सूर्य की तरह तेजस्वी हैं, आपकी जो गति है वायु से भी तेज है, तो इसको एयर को सन को आपने क्या करा सिंबलाइज करा और उसको क्या कर दिया पर्सोनिफाइड कर दिया, ठीक है, या किसी पर्सन का नाम दे दिया, तो ऐसी जो बड़प्पन वाली कविताएं हुआ करती थी तो उनको क्या बोला जाएगा एलिगरी। अभी भी होती है, पहले राजा महाराजाओं के लिए होती थी, अब जो चापलूस लोग हैं वो नेताओं के लिए करते हैं, ठीक है। चापलूस का मतलब क्या होता है, मीनिंग अगर हम बात करें, यहीं पे लिख दूं ऊपर, साइकोफेंट, ठीक है, साइकोफेंट का मतलब क्या होता है चमचा, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन का मतलब आपने हिंदी में एक अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, क्या मतलब होता है अनुप्रास का? हाँ, किसी वर्ड का रिपीटेशन अगर बार बार हो रहा हो, ठीक है, उसको अनुप्रास बोलते हैं। तो इंग्लिश में उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड को क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। उसके बाद में आता है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के जीवन के लिए अपना जीवन न्योछावर करते हैं या अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए जिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। आगे बात करें, नेक्स्ट वर्ड है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, नेविस भी आप बोल सकते हैं, या गैर पेशेवर, लैकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल, जो अभी कंप्लीटली स्किल्ड नहीं हुआ है, परफेक्शन नहीं आया किसी काम में, उसको आप क्या बोलेंगे? अमेच्योर, या नेविस भी आप बोल सकते हैं, NAVIC। नेविस का मतलब भी क्या होता है? नौसिखिया, जो नया नया अभी सीख रहा है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेविस का अपोजिट हो जाएगा सीजन्ड, मंझा हुआ। बोलते हैं ना मंझा हुआ नेता है, मंझा हुआ खिलाड़ी है, तो मंझा हुआ का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर परफेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जहां भी एम्बी वर्ड आया आपका, ठीक है, तो एम्बी का मतलब होता है मोर देन वन। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस हमारा रिलेट करता है राइटिंग से या स्किल से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल विद ईच एंड, जो आदमी किसी दोनों हाथों से काम कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी उसका इक्वली हो और राइट हैंड से भी इक्वली हो, किसी काम को कर सके। ज़्यादातर लिखाई की बात करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड से भी राइटिंग आप कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड से भी कर सकते हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से निपुण। नेक्स्ट वर्ड की बात करें एम्बीगुअस। एम्बीगुअस का मतलब क्या हो गया? एम्बी के लिए मैंने क्या बताया? मोर देन वन। एम्बिगुअस का मतलब हो गया द वर्ड विच हैव मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग हो, या द वर्ड विच आर अनक्लियर, अ पर्सन हु इज अनक्लियर इन हिज वर्ड्स, जिसके हमें जो वर्ड हैं वो क्लियर ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस, मतलब अस्पष्ट। बात समझ में आई? दो अलग अलग मीनिंग है, एक तो है मोर देन वन मीनिंग, किसी बात के एक से ज्यादा अर्थ, या कोई बात इस तरीके से कही गई हो कि जो आपको क्लियर ही नहीं हुई, आपको समझ ही नहीं आई, तो दोनों के लिए आप क्या यूज करेंगे? एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड है एमनेशिया। एमनेशिया इज अ डिजीज, ये एक तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है, पार्शियली या फुल्ली, पार्शियली और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एमनेशिया। एक वर्ड यूज करते हैं हम भूलने के लिए, इसको रब कर दो यहां पे, ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है भुलक्कड़, ठीक है। एमनेशिया क्या है? दिस इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है, लेकिन ओब्लिवियन क्या होता है? नॉर्मल, भाई आप किसी काम कर रहे हैं दूसरे को भूल गए, ठीक है। आगे बात करते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, कोई अपराध कर दिया उसके आप लिए आपने किसी को क्षमादान दे दिया। पार्डन का मतलब क्या हो गया? किसी को माफी देना, ठीक है, एक्सक्यूज करना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एमनेस्टी, ठीक है। एमनेस्टी शोज द काइंडनेस, दया भाव दिखाती है। एम्फीबियन, एम्फी मतलब फिर वही मोर देन वन। एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया? द एनिमल्स हु लिव्स इन द लैंड एंड इन वाटर, जो जानवर जमीन पर रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। और जरूरी तो है नहीं कि एम्फीबियन केवल एनिमल्स ही हो, अब बात समझ रहे हैं, आजकल व्हीकल भी बनाए जा रहे हैं एम्फीबियन, जो पानी में भी चल सके, जमीन पे भी चल सके। हमारी जो आर्मी है, मतलब डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके पास भी इस तरह के वेपन्स हैं, ठीक है, व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो एम्फीबियन है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का क्या मतलब हो जाएगा? डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स, जब भी कोई हम कुछ ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है,
जो एमपी थिएटर है वो किससे बना है? वर्ड से, थिएटर से। वो थिएटर का मतलब क्या होता है? रंगमंच, ठीक है। अब वो जो मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एमपी थिएटर। उसको आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में? अखाड़ा या रंगभूमि, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनल्जेसिया। एनल्जेसिया का मतलब है एबिलिटी टू फील पेन, आपकी दर्द को महसूस करने की क्षमता का गुम हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपका जो बॉडी है वो पेन, एक कंडीशन आएगी जब तक आप बहुत पेन करेंगे, लेकिन एक उसके बाद में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको पेन फील ही नहीं होगा, ठीक है। या किसी की आपने इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब तक उसको पेन फील होगा, लेकिन उसके बाद में जो कंडीशन आएगी वो ऐसी होगी जब उसको कोई पेन फील नहीं होगा, ठीक है, तो उस वो क्या होगी? एनल्जेसिया।